हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बजट। तो बजट के लिए आपको सबसे पहले F11 प्रेस करना होगा। अकाउंटिंग फीचर्स पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल। आप इसको यस कर देंगे। बजट एंड कंट्रोल यूज होता है कस्टमर पे लिमिट लगाने के लिए और सेकंड कंपनी का बजट बनाने के लिए। तो आज जो हम कर रहे हैं वो हम कस्टमर लिमिट कर रहे हैं। कस्टमर लिमिट होता है अगर आप किसी कस्टमर को उधार में सामान बेचते हैं और वो कस्टमर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं करता, तो ऐसे कस्टमर पे कंपनी क्या करती है, लिमिट सेट कर देती है कि इस कस्टमर को हम इतने तक का ही क्रेडिट सेल करेंगे, उसके बाद पहले उससे पेमेंट लेंगे, देन उसकी लिमिट को ओपन करेंगे। तब तक जब तक कस्टमर आपको पेमेंट नहीं कर रहा, तब तक अगर आप उसको उसके बाद 1 रुपए की भी एंट्री करेंगे तो वो उस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता, आपको एरर शो कर देता है कि इस कस्टमर की जो लिमिट है वो ओवर हो चुकी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कस्टमर से पहले पेमेंट लेते हैं, देन उसकी लिमिट को ओपन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम यूज करते हैं। आपने इसको येस करना है ऑप्शन को, देन एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स इन्फो लेजर्स क्रिएट। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक पार्टी का नाम बताया, गगन एंड कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, तो ऑप्शन यस हो रखा है इसलिए यहाँ पे यस मैंने कर दिया। अदरवाइज अगर नो भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। बजट के ऑप्शन को यस करने से हमें लेजर में ये वाली लाइन मिली है, स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, कि आप इस कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट को सेट कर दीजिए। तो कितना आपको सेट करना है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपीज ले लिया कि मैं 2 लाख की लिमिट लगा रही हूँ, देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, कस्टमर पे लिमिट आपने सेट कर दी है। अब आप किसी अगर इस कस्टमर को अब आप सेल करते हैं, मान लीजिए हम F8 में एंट्री करते हैं सेल्स वाउचर में, यहाँ मैंने एंट्री करी। देखिए यहाँ पे कॉल सेंटर पूछ रहा है। कॉल सेंटर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मैंने ये एलोकेशंस की हुई है और लास्ट वीडियो में हमने कॉल सेंटर ही सीखा था। तो अगर आपको कॉल सेंटर का यूज अभी नहीं करना, आप इसमें नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं। पार्टी नेम में आप गगन एंड कंपनी ले लेंगे। पर्टिकुलर्स में यहाँ पे हम सेल्स लेते हैं। देखिए जैसे मैंने पार्टी का नाम लिया, यहाँ पे मुझे दिखा भी रहा है, वॉर्न भी कर रहा है कि क्रेडिट लिमिट 2 लाख रुपीज है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2,20,000 रुपीज डालती हूँ। देखिए यहाँ पे कस्टमर के नाम पे भी मेरे से यहाँ पे सेल्स लेते हुए यहाँ पे ये पूछने लग गया कॉस्ट सेंटर, बट मुझे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का यूज करना ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, सेल्स के लेजर को ओपन करूंगी यहीं पे कंट्रोल एंटर से, और यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कर देती हूँ। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यहाँ पे ऐसे हो रखे, इसको आप नो। अभी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बिल वाइज पूछ रहे क्योंकि मैंने ऑप्शन यस किया हुआ था। देखेंगे यहाँ पे आपके पास एरर शो हो रहा है, क्रेडिट लिमिट ऑफ गगन एंड कंपनी 2 लाख, डेबिट एक्सीडेड। तो ये इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको ये एरर शो कर देगा, एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। बट यहाँ पे एक चीज और आती है कि जरूरी भी नहीं है कि कस्टमर आपसे 2 लाख का सामान इकट्ठे ही खरीद ले, 2 लाख से ऊपर का सामान एक साथ खरीद ले। तो अगर वो कस्टमर आपसे 1-1 लाख रुपए करके या 10,000 या 20,000 30,000 करके भी सामान खरीदता है और उस कस्टमर के जो अकाउंट है उसमें 2 लाख रुपीज क्रेडिट हो जाते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप एंट्री करेंगे तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। बट अभी मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको एक साथ अमाउंट लिख के दिखा दिया, अदरवाइज अलग अलग भी वो आपसे सामान खरीदता है तब भी एंट्री जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी जब उसके अकाउंट में 2 लाख रुपीज हो जाएंगे। तो ऐसे हम कस्टमर लिमिट का यूज करते हैं। आप करके देखिएगा, जो भी डाउट है प्लीज पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी बजट डिस्कस करेंगे कि कंपनी बजट को क्यों बनाया जाता है और क्या प्रोसेस है इसको बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।